नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ सनातन पर। भगवान शिव की पूजा सदियों से हो रही है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिव का एक और रूप भी है, जो है अर्धनारीश्वर। दरअसल शिव ने रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। वे इस रूप के जरिए लोगों को संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष समान है। आइए जानते हैं इस घटना का चक्र, आखिर किस वजह से शिव को ये रूप धारण करना पड़ा था। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है, उतना ही स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी के मन में कई सवाल उठने लगे। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, लेकिन तब तक शिव से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रिकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उसकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। अर्धनारीश्वर रूप लेकर भगवान ने यह संदेश दिया है कि समाज तथा परिवार में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आदर व प्रतिष्ठा मिले, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जान के कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और भी इस प्रकार की रोचक और अच्छी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल शुभ सनातन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।